हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, दैट इज रिगार्डिंग टू द फिजिकल वर्ल्ड, और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। आज आप जान पाएंगे कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड देन व्हाट आर डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स आज, एंड देन फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, ये जो फिजिक्स की फाउंडेशन क्यों रखी गई, एंड देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट, जो फिजिक्स और एक्साइटमेंट इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। आज आप जान पाएंगे कि हाउ इंटरेस्टिंग ये हाउ जो है, जो एक्साइटमेंट है, हाउ इज इंपॉर्टेंट द एक्साइटमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स। तो कंटेंट डिलीवरेशन से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग, दैट जो आज का जो कंटेंट डिलीवरेशन होने जा रहा है, ये मैंने टेक्स्ट बुक जो पब्लिश बाय द डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु द्वारा पब्लिश बुक है, और दैट इज द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स जो इस यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड हैं, उनके बेस्ट एफर्ट्स हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दिस ऑथर्स, और जो इस बुक में पब्लिश किया है और उसमें जो कंटेंट है उनको मैं वन बाई वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि उस बुक्स में जो ऑथर्स जो हैं, जो लिस्टेड 6 ऑथर्स हैं, वुड लाइक टू एक्सप्लेन। तो वन बाई मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप यू विल टेक एंजॉय ऑफ द टुडे लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड देन डिसिप्लिन। जब भी आप बात करते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जब आपका जो है 10th स्टैंडर्ड की एजुकेशन के बाद वेन यू एंटर इन द हायर सीनियर सेकेंडरी मीन 10+1 में, जैसे ही आपका एडमिशन हुआ या आपने डिसाइड किया, तो आपको ये ध्यान में रहा होगा कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ साइंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट फैकल्टीज, वन इज साइंस फैकल्टी, वन इज कॉमर्स फैकल्टी, एंड वन इज आर्ट्स फैकल्टी, एंड सो अदर्स, एंड देन स्टूडेंट्स डिसाइड आई हैव टू ऑफ द साइंस फैकल्टी, मैंने साइंस डिसिप्लिन को सेलेक्ट करना है और मैंने इसमें अपना करियर बनाना है, राइट? तो हर स्टूडेंट्स का अपना एक व्यू एंगल होता है, हर स्टूडेंट्स अपने व्यू एंगल से, अपने थॉट के हिसाब से सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है। एक चीज फोकस करता है कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ साइंस या व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ साइंस इन फ्यूचर, दैट इज द रिगार्डिंग जो अभी आप सोच रहे हैं, आपका जो विजन है, दैट इज रिगार्डिंग टू योर करियर, राइट? परंतु यहां पे जो स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है, दैट इज द डिफरेंस, उसको एक अलग वे में लीजिए, क्योंकि यहां पे नॉट कंसर्न टू द करियर, दिस इज कंसर्न टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिजिक्स। हियर द स्कोप ऑफ फिजिक्स दैट इज कंसर्न टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ फिजिक्स, मीन्स हम फिजिक्स को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, हैज एनी लिमिटेड, क्या फिजिक्स की स्टडी इज लिमिटेड और नॉट, क्या फिजिक्स की स्टडी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, क्योंकि देयर हम अगर आप इस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो फिजिक्स की जो स्टडी है, दैट हैज वाइडर स्कोप, हैव डिफरेंट डिसिप्लिन, जितना वाइडर सब्जेक्ट है, हम कहते हैं कि जितना कम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कम है, जैसे हमें बुजुर्गों ने भी कहा कि जितना पढ़ेंगे उतना कम है, राइट? तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स कैन बी अंडरस्टूड इफ वन लुक्स एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन सच एज मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सेट्रा। ये उन ऑथर्स की लाइन्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने जो टेक्स्ट बुक पब्लिश की है, मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जो आपका जो ग्रीन टेक्स्ट में है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑथर्स ने ट्राई किया है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कि फिजिक्स के स्कोप कैन बी अंडरस्टूड इफ वन लुक्स एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स। यदि हम सही मायने में स्कोप ऑफ फिजिक्स के क्या स्कोप है, अगर सही मायने में हमें अंडरस्टैंड करना है, तो हमें उसकी जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं पहले उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगी। देन लास्टली जब हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को स्टडी करेंगे
ये उनके बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, देन वी कैन बिकम ये कंक्लूडिंग रिमार्क से पहुंचेंगे, तब हम कुछ कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन की बात की है, यहाँ पे बात की है मैकेनिक्स की, और मैकेनिक्स आपका 10+1 में काफी आपका सिलेबस कवर करता है, एंड देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये भी आपके 10+1 के एक पर्टिकुलर एक यूनिट में है, टोटल चैप्टर है, एंड देन एटॉमिक फिजिक्स ये आपका सीनियर सेकेंडरी प्लस टू क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, एंड ऑप्टिक्स ये भी 10+2 में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दैट इज आल्सो इन को भी आप स्टडी करेंगे 10+2 में, एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स इसके बारे में भी आपको 10+2 में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑथर्स ने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि देर आर सम डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स, ये लिमिटेड नहीं है क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे डिसिप्लिन हैं फिजिक्स के, जैसे मैं बात करूँ जियोफिजिक्स की बात करूँ, एस्ट्रोफिजिक्स की बात करूँ, राइट, क्वांटम फिजिक्स की बात करूँ, तो देर आर ए लॉन्ग सीरीज ऑफ डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ फिजिक्स। एटमोस्फेरिक फिजिक्स है आपका, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स है, स्पेस फिजिक्स है, देर आर सो मैनी सच डिसिप्लिन, यहाँ पे कुछ लिमिटेड किया हुआ है, तो इनको हम जो अगर स्टडी करें कि जैसे वन बाई वन डिस्प्लेन को स्टडी करते हैं, यदि कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए मैकेनिक्स को स्टडी करना चाहता है तो मैकेनिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, तो यहाँ ऑथर्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो हम मैकेनिक्स में जो मोशन जो मीन्स जो ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन में होता है जब हम उनको स्टडी करते हैं, तो दैट इज अंडर जो उनको चीजों की जो स्टडी होती है वो मैकेनिक्स के अंडर। पहले जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, आई वुड लाइक टू एलेबोरेट दिस लेक्चर, जो यहाँ पे जो ऑथर्स ने जो लाइंस दी हैं, मेरा मोटिव रहेगा कि मैं हर चीज को एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जब थोड़ा डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल, अब बात आती है कि किस मैकेनिक्स में किस तरह के पार्टिकल्स की मोशन की हम स्टडी करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज यू आर ऑन द आपका जो इस मदर प्लेनेट पे हैं आप, और आपका मून जो है दैट इज आपके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जब दैट इज अगर मान लीजिए हमने मून की जो आपके उसकी रेवोल्यूशन जो है उसका स्टडी कर, उसकी मोशन को जब हमने स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो दैट इज अंडर दिस एरिया ऑफ फिजिक्स, दैट इज अ मैकेनिक्स। तो इस तरह की स्टडी मैकेनिक्स में हम कंसिडर करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने जा रहा हूँ, या मेरा जो मोटिव था मैं चाहता था कि इस तरह के एग्जाम्पल दे के शायद आप समझ पाए। तो आई होप आपने इस चीज़ को फॉलोअप किया होगा कि जैसे मैकेनिक्स में किस तरह की स्टडी आ गई, फॉर एग्जाम्पल स्टडी मोशन ऑफ द मून, अगर हम मान लीजिए अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन मून की स्टडी करनी है तो आती है मैकेनिक्स में। ओके, एंड देन नेक्स्ट जो टू लाइंस है जो आपका ब्लैक टेक्स्ट में है, यहाँ पे क्या इन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो लाइंस हैं आपके पास द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप कलर्स ऑफ थिन फिल्म आर द टॉपिक डेल्ट इन ऑप्टिक्स, यू आर वेरी क्लियर दैट। अब एक ऑप्टिक्स भी एक डिफरेंट डिसिप्लिन मीन एक ब्रांच है, डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, अभी तो हमने फिजिक्स की एक ब्रांच की स्टडी की दैट इज अ मैकेनिक्स, अब हमने एक और फिजिक्स की एक और नई ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी दैट इज ऑप्टिक्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो ऑप्टिक्स है उसमें हम किस तरह की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, जैसे मान लीजिए टेलीस्कोप है आपका, कलर्स ऑफ थिन फिल्म मीन्स जब आपका वाटर है, वाटर के ऊपर जब ऑयल की लेयर जाते हैं, जब उसमें सन रेज पड़ते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, एक कलर्स डिफरेंट कलर्स का एक इल्यूमिनेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कलर ऑफ थिन फिल्म, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सब स्टडी जो है ऑप्टिक्स में आती हैं। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ से लाइट बीम इस तरफ किया एंड देन रिफ्लेक्ट बैक, राइट, तो इस तरह की जो स्टडी है लाइट रेज की जो स्टडी है दैट इज अंडर द सब्जेक्ट अंडर द मेजर डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ओके, एंड देन लास्ट थ्री लाइंस जो ब्लू टेक्स्ट में है, यहाँ पे जो ऑथर्स वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स,
और डिफरेंट डिस्प्ले का अर्थ किया, सॉरी फिजिक्स की एक नई और ब्रांच को इंट्रोड्यूस करा, दैट इज द हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, दैट डील्स विद द प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट मीन्स टू रेडिएट, हीट वेव्स का रेडिएट होना, एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मीन टेम्परेचर, थर्मो मीन थर्मल, डायनामिक्स, डायनामिक समथिंग इन मोशन, थर्मो मीन मोशन, सॉरी थर्मो मीन थर्मल, जिसका मतलब हुआ हीट, या टेम्परेचर, एंड डायनामिक दैट इज मीन्स मोशन। तो इस ब्रांच में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, ये फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम हीट या रेडिएशन की जब स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हीट प्लग की, हीट वेव्स की जब स्टडी आती है तो थर्मोडायनेमिक्स में आती है। जब दो डिफरेंट सिस्टम है, एक का टेम्परेचर हाई है, एक का लोअर है, जब दोनों सिस्टम का हम एनर्जी एक्सचेंज स्टडी करते हैं कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एक बॉडी से, मीन बॉडी विच वन इज एट हाई टेम्परेचर, दूसरी जो है लोअर टेम्परेचर पे है, तो उस केस में जो बॉडी, उन दो बॉडीज में हीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो भी वो सब की, उन सब की स्टडी आती है आपकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, सम मोर डिसिप्लिन्स आर देयर, फेनोमेना ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक बॉडीज आर डेल्ट इन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक की जब हम जो स्टडी होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वन थिंग टू बी, आई वुड लाइक टू रिकोगनाइज टू यू, मैं एक चीज आपको रिकोगनाइज करवाना जा रहा हूँ कि जो आपका जो 10+2 का जो सिलेबस है, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और वो जो है रहते हैं, तो दैट इज द अंडर द डिसिप्लिन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो स्टडी होती है, जो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट किस तरह के चार्जेस की, उस चार्जेस की जो जो रहते हैं, नॉट इन मोशन। ओके, और एक आपका एक मैग्नेटिज्म का एक अलग से अलग यूनिट है 10+2 में, राइट, मैग्नेटिक, उसमें मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं और मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे हम जो मैग्नेटिक, एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, जो मैग्नेट का जो यूनिट है उसमें हम मैग्नेट्स की स्टडी करते हैं। तो पहले के अलग अलग से डिसिप्लिन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, दो डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, लेटर ऑन जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट, मीन्स फिजिक्स में जैसे जैसे एडवांसमेंट आता गया, तो फिर बाद में देखा कि देर इज सम रिलेशन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं, एंड मीन कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक के बीच सम, देर इज सम रिलेशन, मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच कुछ कंजक्शन है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दिस टू, कि दोनों के बीच बहुत क्लोज लिंकेज है। तो बाद में एक ही ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी गई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी इसको हम कहते हैं, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये काफी डिटेल्स में आपको 10+2 में पढ़ने को मिलेगा। एंड द लास्ट जो ब्लू टेक्स्ट में जो लाइन है यहाँ पे, दैट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब यहाँ पे जो जिस ब्रांच की, जिस डिसिप्लिन की फिजिक्स की बात हो रही है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, समटाइम जो हम उसको अलग अलग से भी हम स्टडी करते हैं, दे आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेबोरेटरीज टू स्टडी द एटॉमिक फिजिक्स एंड बाय अंडर द नेम ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, इंटरेक्शन ऑफ एटम्स, न्यूक्लाई विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कहने का मतलब है, क्योंकि अब हम कहाँ पे आ गए, वी आर, जब हम एटम्स की जब हम स्टडी होती है, वो आता है आपका एटॉमिक फिजिक्स में, When we study about the atom, तो आती है atomic physics में। अगर हम थोड़ा सा उससे deep चले जाए, हम atom से अगर और थोड़ा deep में चले जाएं, तो हम किसके बाद study करते हैं, atom के अंदर होता है nucleus। जब हम nucleus की जब हम study करते हैं, तो आता है nuclear physics में। और जब nuclear physics में, और एक और अगर और ज़्यादा deep में चले जाएं, क्योंकि nuclear physics में हम जो nucleus की study करते हैं, उसमें proton और neutron होते हैं, और जब atom में 3 particles होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, यू नो वेरी वेल। आपने लोअर स्टैंडर्ड में जो अप टू 10th स्टैंडर्ड में इतनी जानकारी आपको होगी कि जो एटम में 3
कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, दैट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और जो आपका न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, कंपैक्ट होता है, बाउंड होता है, और उसके राउंड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन, और दे हैव द डिफरेंट ऑर्बिट्स। उन इलेक्ट्रॉन्स के अपने अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स होते हैं। तो इतना आपने एटम की, जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया हुआ, तो उस वक्त वो आता है आपका एटॉमिक फिजिक्स में। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियस के अंदर की जो स्टडी हो रही है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल हैं, जो क्या है, बाउंड विद द सम बाउंडिंग एनर्जी, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं। अगर हम उससे थोड़ा और डीप चले जाएं, तो दैट्स कंसर्न टू द पार्टिकल फिजिक्स। तो इस तरह से देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट लैब्स एटॉमिक फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, एटॉम्स को स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड देन जो पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी हम बात करते हैं, वो आता पार्टिकल फिजिक्स में। परंतु इन सभी में बहुत क्लोज एसोसिएशन है। तो इस तरह का जो आपके आपके आई हैव टू इंट्रोड्यूस द डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स इन दिस केस, तो यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो फिजिक्स है, अगर हमने इसके इस तरह के जो डिफरेंट ब्रांचेस को जब हम स्टडी देखते हैं कि देर आर सो वाइड स्कोप, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब थेल्स 400 बीसी की अगर मैं बात करूं, तो हमने वी वुड लाइक टू नो दैट जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रब करते हैं वूल के ऊपर, कहने का मतलब एक एम्बर रॉड को, जब थेल्स ने अराउंड अबाउट 400 बीसी में इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि जब हम एबोनाइट रॉड को बूल के ऊपर रब करते हैं, तो उसमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जो क्या करती है, जो लीटर्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ये बहुत कॉमन सी एक्टिविटी है, हर स्टूडेंट्स ने इसको परफॉर्म भी किया होगा। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्लास्टिक स्केल होता है, अगर आप उस स्केल को आप हेयर ड्राई हेयर के साथ रब करें एंड देन उसको मूव करें, तो टुवार्ड द लीटर्स जो आपके जो लाइट पेपर्स होते हैं, डस्ट होते हैं, उसके साथ स्टिक हो जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है थेल्स ने 400 बीसी में डिस्कवर किया था। ओके, तो 400 बीसी में उस वक्त हम वी डोंट नो अबाउट द चार्जेस, उस वक्त हम चार्जेस के बारे में नहीं जानते थे, परंतु आज हम जैसे से 400 बीसी एंड नाउ जो आज का जो आपका हम 2020 की बात करते हैं, तो आज तक फिजिक्स में कितना एडवांसमेंट आ गया है। तो अब आने वाले, इट मीन्स फिजिक्स इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की जब स्टडी करते हैं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारा जो नॉलेज है अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज नॉट बी कंप्लीट। अभी हमें इस फील्ड में बहुत कुछ करने को है। अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरा मोटिव है, मैं यहाँ का जो है सब्जेक्ट डिसिप्लिन है फिजिक्स के, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ कि इस फिजिक्स में, कि क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ फिजिक्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना किसके रिगार्डिंग, स्कोप ऑफ फिजिक्स में। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कोप ऑफ फिजिक्स करियर की बात नहीं हो रही है कि मेरे को उसके बाद फिजिक्स में कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे उस स्कोप की, आपकी व्यावहारिक स्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट स्कोप की बात हो रही है। फिजिक्स के स्कोप कहाँ कहाँ है, हम उसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर सकते हैं उसको, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक उसका लिमिट हो सकता है, अभी हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, अगर हम सबसे पहले जो है, जब साइंटिस्टों ने जब कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या उससे पहले हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स से छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता है, दैट इज वेरी माइक्रो साइज, और कि आपका जो है माइक्रो लेवल की जो स्टडी है कहाँ पे एंड हो जाती है, मैक्रो टू माइक्रो, मीन बहुत बड़ा साइज इस चीज का, मैक्रो टू माइक्रो वर्ल्ड में जब हम जा रहे हैं, मैक्रो टू माइक्रो वर्ल्ड मीन जो बड़े से सूक्ष्म माइक्रो वर्ल्ड में जब हम एंटर कर रहे हैं, तो हम पहुंच गए मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अमीन साइंटिस्ट, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब साइंटिस्ट ने एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर लिया, जो नेकेड आई मीन विजिबल आर्म या नंगी आंख से हम उसको नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए वी हैव टू नीड ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो आप देखते हैं कितना छोटा पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, उसका साइज कितना छोटा है।
जो नंगे नेकेड आई से हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो हमने ये डिसाइड कर लिया, साइंटिस्ट फिजिक्स ने अगर ये डिसाइड कर लिया था कि शायद अब इससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता है, परंतु फिजिक्स और डीप गई चली गई, हमने एटम्स को डिस्कवर कर लिया उससे भी छोटा है। अब फिजिक्स को ऐसे ऐसा लगा कि नहीं फिजिक्स से छोटा नहीं हो सकता, परंतु जो फिजिक्स जो साइंटिस्ट हैं वो कभी भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि दे नो दैट कि कभी भी इस फिजिक्स में अनलिमिटेड असीम संभावनाएं हैं, फिजिक्स में असीम संभावनाएं हैं, देर इज नो लिमिटेशन, बहुत कुछ करने को है। क्लियर? जब हम एटम पे पहुंच गए तो हमने स्टडी कर लिया कि यहां पे एलिमेंट इसके तीन ही पार्टिकल हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमें और जानकारी मिल गई। जब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब उनकी उनके प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तब भी हम वहां नहीं रुके, फिर हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे जो उससे भी छोटे हैं। यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन इमेजिन, आप उस चीज का एक प्रैक्टिकल फील लीजिए, राइट? तो हम कहां पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन से भी कोई चीज छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको नाम दे दिया एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं दे आर लॉन्ग सीरीज, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। या कुछ एक के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे मीजोन की बात करते हैं, मीजोन है आपका, उसमें एक मीजोन फैमिली है, एक न्यूट्रॉन है, विरलेन है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, राइट? तो अब साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि शायद इससे छोटा नहीं हो सकता है, परंतु फिजिक्स हार मारने वाली नहीं है, जो मैंने कहा। और हम कहाँ पहुँच गए, लास्ट में क्वार्क पे पहुँच गए। तो इस वक्त वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट ये चीज के ऊपर रुक गए हैं कि शायद क्वार्क जो है लास्ट पार्टिकल है जिससे पूरा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड बना है। समझाया कि इस क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। अब आज कल वैज्ञानिक उसी चीज में लगे हुए, और आपको मालूम है कि दैट इज अ सन, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और उसका एक फर्स्ट फेज में उसका एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट हो चुका है। अराउंड अबाउट 25 किलोमीटर की एक लॉन्ग टनल है, जो यूरोपियन सब कंटिनेंट में एक टनल है, दैट इज अ सन, और उसमें वर्ल्ड के लगभग 100 कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं, और दैट इज अ बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट एवर हैपन द अर्थ। सबसे पहले इस तरह का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट अर्थ पे हुआ, और आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि साइंटिस्ट किस चीज को गॉड पार्टिकल को डिस्कवर करने में लगे हैं, उसका एग्जिस्टेंस डिस्कवर करने में लगे हैं, कि जो यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, जो मैटर स्टेट है, जो फिजिकल वर्ल्ड की जिसकी हम बात करते हैं, इसका क्रिएशन कैसे हुआ, कि व्हाट आर द जो पार्टिकल है, कौन सा है जिसके बाद से दिस यूनिवर्स या जो ब्रह्मांड है बना है। तो हाउ वाइडर द स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि फिजिक्स है असीम संभावनाएं। मान लीजिए अभी तक हम स्पेस साइंस की फिजिक्स की बात करें, तो हम हमारा अर्थ प्लैनेट है, और अर्थ प्लैनेट का जो हमारे रिवॉल्विंग उसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है, दैट इज अ मून, अगर जो आर्टिफिशियल जो सॉरी नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज अ मून। अभी तक हम अपने मून को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, उसको भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। इन अगर अगर सोलर फैमिली की बात करें, तो हमारे पास अर्थ का जो ट्विन, दैट इज अ नियर टू अर्थ जो अदर प्लैनेट, दैट इज अ मार्स, मंगल ग्रह। अभी तक हम मंगल तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो यूनिवर्स के लास्ट प्लेनेट तक का पहुंचेंगे, एंड देन इस गैलेक्सी, जिस गैलेक्सीज में हम रहते हैं, जिसको मिल्की वे कहते हैं, जो कितनी बड़ी है, एंड इन दिस यूनिवर्स दैट इज सपोज टू बी, जो साइंटिस्ट कहते हैं, दैट इज 10^11 million आर गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। तो यू कैन से दैट हाउ बिग इज दैट यूनिवर्स, कितना बड़ा यूनिवर्स है, जिसको अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी तो इतना है करने को है, कि इसकी कहाँ लिमिटेशन है, इट इज हार्डली टू डिफाइन दैट। तो हाउ बिगर द स्कोप ऑफ फिजिक्स मीन्स, आप जिस फील्ड में काम करना चाहेंगे तो उसमें असीम संभावनाएं हैं, दैट्स ऑल। ओके, तो इस तरह से कभी क्वेश्चन आपने जब जितना भी हमने अभी डिस्कस किया, इसको भर भाई भर भर एक बार फिर से एक मैं इसको चार्ट डाउन करता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। ओके, तो आपका जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और इन अंडरस्टैंडिंग के को
जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो अपने लैंग्वेज में इनको आंसर करना है। यू हैव टू नो नीड टू लाइन अप किसी ऑथर्स ने क्या एक्सप्लेन किया है, उसने कौन सी लाइंस डिस्कस की हैं, आपको उस पर बाउंड नहीं रहना है। राइट, आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ पे लाइंस क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, देन डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग और उस बेसिस पे डिफाइन द स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो आप फोर लाइंस में बहुत सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो फिजिक्स का स्कोप है दैट इज अ वेरी वाइड स्कोप, देर आर मैनी सब डिसिप्लिन इन द फिजिक्स एंड एवरी डिसिप्लिन हैव अनलिमिटेड स्कोप। यहाँ पे फिजिक्स के बहुत देर इज अ लॉन्ग सीरीज ऑफ डिसिप्लिन, फिजिक्स में बहुत लंबी एक डिसिप्लिन की सीरीज है और हर डिसिप्लिन में असीम संभावनाएं मीन अनलिमिटेड स्कोप हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल अगर दे दे तो एग्जामिनर शुड बी एग्जामिनर जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं, जितने भी मैंने अभी आपसे साथ एग्जाम्पल डिस्कस किए, मान लीजिए आप इस यूनिवर्स का जो लेटेस्ट अभी आपको अभी सबसे लास्ट में जो एग्जाम्पल दिया दैट इज रिगार्डिंग फ्रॉम यूनिवर्स, मान लीजिए हम स्पेस फिजिक्स की बात करते हैं तो आप स्पेस फिजिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी तक तो हम अपने जो सोलर फैमिली का जो प्लैनेट नियर प्लैनेट है हमारा दैट इज द मार्स, अभी तक तो हम उसको भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो अभी तो सोलर फैमिली तो बहुत है एंड देन यूनिवर्स तो वहां तक तो अभी करने को बहुत कुछ है। तो इन चीजों को आप लाइन अप कीजिए, मैंने क्या चीज एक्सप्लेन की इनको इलेबोरेट कीजिए, राइट टू कॉपी पे अगेन एंड अगेन ट्राई टू नोट डाउन और हर बार देखिए कि अब जो मैंने कि जो मैं यहां से जो मैं इंफॉर्मेशन जो मैं कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं कि मैं उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया है, क्या ये मैं दीज आर द करेक्ट लाइंस और नॉट। ओके, देन व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो यहां पे जितनी भी ब्रांचेस आपकी डिस्कस की गई, तो सबसे पहले मैकेनिक्स, तो आप कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज अ सब डिसिप्लिन या सब ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द मून इन रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट्स ऑल। एंड देन व्हाट इज ऑप्टिक्स, आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ऑप्टिक्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस ब्रांच से एक्सप्लेन कर सकता है कि जो इन लाइन से अपनी अपनी टोन में आंसर कर सकता है, तो यू कैन से दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस, लाइट रेस की जो हम स्टडी होती है वो फिजिक्स इस ब्रांच में आती है। तो कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, मान लीजिए वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, वो भी इसमें आता है। एंड देन व्हाट यू मीन बाय द टर्म हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो डिसिप्लिन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स, आप इससे क्या समझ पाते हैं, तो आप इसको मान लीजिए पूछ लिया गया व्हाट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो यू कैन से दैट इट इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट रेडिएशन एंड हीट वेव्स एटसेट्रा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, आप वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर स्टडी है वो आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, मैग्नेटिज्म की स्टडी मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक जो मैग्नेट की स्टडी तो मैग्नेटिज्म में थी, दोनों अलग अलग डिसिप्लिन से, फिर बाद में देखा कि इन दोनों के बीच बहुत क्लोज रिलेशन है तो बाद में एक ही डिसिप्लिन बन गया दैट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ओके, आप पूछ लिया जाए व्हाट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आप सीधा कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड द न्यूक्लियस, एटम्स एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप किसी भी डिसिप्लिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सम मोर डिसिप्लिन हियर, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए जिस आपका जो है, जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने एक मेट्रोलॉजी एक बात कही थी, तो मेट्रोलॉजी को आप कैसे एक्सप्लेन, मेट्रोलॉजी इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर्स, जिसमें आप वेदर्स या उसकी प्रेडिक्शन की जो स्टडी करते हैं वो मेट्रोलॉजी में आता है। तो इस तरह से आपका
और भी एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी आल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ जितने भी हमारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजिशन के रिगार्डिंग जो स्टडी होती है दैट्स कॉल्ड आता है एस्ट्रोनॉमी में, राइट। मान लीजिए जैसे आपके पास जो है कोई जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको क्या करते हैं प्रेडिक्शंस करते हैं रिगार्डिंग द प्लैनेट्स, राइट। इस वक्त मून की पोजिशन कहाँ पे है, मंगल की स्थिति कहाँ पे है, तो दैट इज द रिगार्डिंग द पोजिशन। और जो एस्ट्रोफिजिक्स है दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो एस्ट्रोफिजिक्स है दैट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं पूरे उसके फिजिकल जितना भी आपके जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजिशन एज वेल एज देयर मोशन और उनकी फिजिकल स्टेट की स्टडी, उनकी पोजिशन की स्टडी भी उसमें आती है, उनके फिजिकल बिहेवियर की स्टडी भी उसमें ही आती है, वो आपका एस्ट्रोफिजिक्स है। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, ओके, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। तो फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स इनेबल अस टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय थिंग एंड हैपनिंग अराउंड अस। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स की कहां से मीन इसकी फाउंडेशन कहां कैसे रखी गई, नीम इसकी इसके पीछे इसकी नीम इसके पीछे जो नीम रखी गई उसका कारण क्या है, यहां पे इस ऑथर इस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा है और ये चीज बतलाना चाह रहा है कि मान लीजिए किस चीज की फाउंडेशन क्यों रखी गई फिजिक्स की। तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर जो मैंने डिलीवर किया था उसमें चीज मैंने क्लियर कट डिस्कस की थी डिलीवरेट की थी कि फिजिक्स है दैट इज अ स्टडी ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस, जो हमारे आस पास जो चीजें घट रही हैं उन सब की स्टडी है फिजिक्स। और वहां से ही उसने किसकी फाउंडेशन रख दी थी, फाउंडेशन होता फिजिक्स, वहीं से स्टडी स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए सन कहाँ से आपका सनराइज कहाँ से होता है ईस्ट में और दैट अपीयर टू बी सेट इन द वेस्ट, ओके, ये हमारा रोज का एक रूटीन फेनोमिना है और ये हर चीज हमारे को रोज देखने को मिलता है सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, हाउ इंटरेस्टिंग। और जो ह्यूमन बींग है दैट ऑलवेज रिमेन्स इनेबल टू आइडेंटिफाई वट आर द कॉज, इसके पीछे कॉज क्या है, तो वहां से उस कॉज को ढूंढने के लिए उस कॉज का कारण जानने के लिए कहां से किसको लीड कर गया वो कॉज का जो आंसर उसको आंसर करने के लिए वी लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स, ओके। द लॉज ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन व्हाट वी ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, व्हाट इज द कॉज, उसके पीछे क्यों होता है, क्यों पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा ही क्यों होता है, तो इट मीन्स देयर इज सम फिजिकल लॉ, इसके पीछे क्या है, कुछ फंडामेंटल लॉ है इसके पीछे, तो उन लॉज को हमें इलेबोरेट उनको डिस्कवर करने को इनफोर्स करता है फिजिक्स, हमें उस हिडन चीज को एक्सप्लोर करने की उन जो चीज हिडन है उन चीजों को एक्सप्लोर हमें अट्रैक्ट करता है टू एक्सप्लोर मी देयर इज समथिंग हिडन इनसाइड टू मी, तो वो चीजें जो चीजें हैं जो प्रोसेसेस हैं ये व्यक्ति को उन अपने आप को डिस्कवर करने के लिए क्या करते हैं इनवाइट करते हैं, और जो क्या है उन सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉ है एक नियम से चले हैं बने हैं, राइट। एंड देन जो लास्ट लाइन है आपके पास दिस मेक्स ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू अपीयर प्रेटी सिंपल, जो हमें चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं फिजिक्स उसको बहुत सिंपल वे में एक्सप्रेस कर लेती है, जो चीजें हमें अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है तो फिजिक्स जो है उसको बहुत प्रेटी सिंपल बहुत सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन कर देती है, ओके। अब जैसे मान लीजिए जो आपका फर्स्ट लेक्चर मैंने जो डिलीवर किया था उसमें मैंने कहा था जो साइंटिस्ट हैं आजकल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर रहे हैं रिगार्डिंग द वेदर, कल का वेदर फॉरकास्ट क्या रहेगा आफ्टर टू डेज क्या रहेगा, तो दैट इज अ 90+ उनका फोरकास्ट एक्यूरेसी रहता है। तो हाउ एक्यूरेट इज द साइंस, जब ये साइंस क्या करते हैं कि अभी तो आपको सिंपल रख दिया गया कि कल आफ्टरनून आवर्स में थंडरस्टॉर्म बहुत हैवी थंडरस्टॉर्म हैपनिंग देयर, इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत हैवी रेन होने वाली है, आपको प्री अलार्मिंग रेट कर दिया गया है बाय साइंटिस्ट, परंतु आपको दैट इज आपको अपीयर होता दैट इज वेरी सिंपल, बट उस चीज को अनाउंस करने के लिए उस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए
हाउ द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैव टू बी गोन थ्रू, साइंटिस्टों को कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस से गो थ्रू होना पड़ा है, वो जिसके लिए सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। जो क्या होता है, बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं बहुत फास्ट बहुत रैपिड उनका एनालिसिस कर लेते हैं, और जो उसकी जो एनालिसिस है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना लेवल जो थिंकिंग क्रिएटिविटी है उसको लेवल, उसका लेवल भी कितना एडवांस करना पड़ता है, यू थिंक अबाउट दैट। बट दे प्रेजेंट द रिजल्ट प्रेटी सिंपल, बहुत सिंपल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कल दोपहर को हैवी रेनफॉल इज देयर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट, ओ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी आपसे बात की एक्साइटमेंट, मैं इस चीज के ऊपर फोकस करना जा रहा हूं, एक्साइटमेंट जो यहां पे जो ऑथर्स ने एक्सप्लेन किया है, फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। हम फिजिक्स को क्या करते हैं, एक्साइटिंग इन मैनी वेज, बहुत कई तरह से हमें एक्साइट करती है, राइट। तो सम एक्साइटमेंट किसी के लिए एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉ कैन एक्सप्लेन ए रेंज ऑफ फेनोमेना। कुछ को कुछ एक्साइटमेंट क्या करती है कि कुछ ही कुछ गिने चुने ए फ्यू कॉन्सेप्ट जो हैं या कुछ लॉ जो हैं बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लियर, कि इट मींस एक लॉ से हम कई चीजें एक्सप्लेन कर दें, जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं उसको हम उसका लिंकेज हम एक लॉ के साथ उनका रिलेशन एस्टेब्लिश कर दें। फॉर सम अदर्स द थ्रिल लाइज इन द कैरिंग आउट अ न्यू एक्सपेरिमेंट टू अनरावल द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर। किसी में क्या होगा, ऐसी थ्रिल्स मींस ऐसी एक्साइटमेंट, ऐसी उत्तेजना, इतना प्लेजर है कि टू कैरी आउट न्यू एक्सपेरिमेंट टू अनरावल द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इस नेचर में जो चीजें कुछ चीजें हिडन है भी, इस नेचर में जो क्या है हिडन है उनको डिस्कवर करना। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं, जो कहने का मतलब है हाउ एक्साइटेड द साइंटिस्ट आर, जो साइंटिस्ट हैं कितने एक्साइटेड हैं। अभी मैंने जैसे अभी आप देख रहे हैं कि COVID-19 के लिए एंटीडोज का क्या हो रहा है, हर कंट्रीज में डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट साइंटिस्ट न्यूमरस साइंटिस्ट आर वर्किंग डे एंड नाइट टू डेवलप एंटीडोज ऑफ COVID-19। तो हाउ दे आर एक्साइटेड टू दैट दे कैन दे वो क्या कहते हैं इस वर्ल्ड कम्युनिटी जो इस एपिडेमिक जो इसका स्प्रेडनेस हो रहा है उसको रोकथाम की जाए इन द बेटरमेंट ऑफ द दिस मदर प्लेनेट। इसमें जो लिविंग जो बींग है, जो ह्यूमन बींग का अस्तित्व जो खतरे में, उसको कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट जो दिन रात काम करें एंड दे आर एक्साइटेड टू नो द रिजल्ट। जब आपको देख रहे हैं कि कुछ लैब्स में आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने बहुत सारे अच्छे उसमें एंटीडोज डेवलप कर दिए हैं, परंतु दे आर अंडर एक्सपेरिमेंट, और उनके रिजल्ट्स को, उनके जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनको रिजल्ट्स को जो आ रहे हैं उनको देखने में दे आर वेरी एक्साइटेड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक्साइटमेंट एंड फिजिक्स, वो जो एक्साइटमेंट क्या करती है वो क्या करेगी, इस मेडिकल साइंस को और एडवांस कर देगी। इसी तरह से जो फिजिक्स में जो एक्साइटमेंट है, मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में आपको एग्जांपल या सॉरी प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उस वक्त मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यूटन्स ने एप्पल्स को फॉलिंग डाउन मीन टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसने क्या किया, उस एप्पल ने न्यूटन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया और उसको क्या किया, इनफोर्स कर दिया टू डिस्कवर मी व्हाई आई फॉल टुवार्ड द अर्थ। देन न्यूटन्स ने एक लॉ रिलीट कर दिया, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, तो दे आर सो मेनी एग्जांपल्स। एक न्यूटन्स का एक अनदर एक्साइटमेंट का केस है, मान लीजिए आपके पास जो जिसको आप कहते हैं कि सन से जो लाइट आती है जिसको व्हाइट रे कहते हैं हम, जिसको हम ऑप्टिक्स में जो स्टडी करते हैं, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर। मैंने कहा नेचर हमेशा आपने आपको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और हाउ एक्साइटमेंट क्रिएट करती है आपके अंदर, एक उत्तेजना भरपूर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करती है जब भी आपका रेनबो होता है। मान लीजिए कि कहीं भी आपने देखा होगा कि रेनबो का डिस्प्ले हुआ और जो रेनबो क्या करता है, वो आपको बाउंड कर देता है, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एंड एवरी ह्यूमन बींग
उसकी ओर अट्रैक्ट खींचा चला जाता है, और वो किस लिए अट्रैक्ट करता है, वो कहता है कि एक्सप्लोर मी, एवरीवन इज एक्साइटेड टू सी द रेनबो, हर व्यक्ति जो है रेनबो को देख के एक्साइटमेंट, उसमें एक अजीब सी उत्तेजना उसके अंदर, एक नई ऊर्जा का उसके अंदर एक संचार होता है, और उसमें क्या करता है जो साइंटिस्ट ने उसी रेनबो ने न्यूटन को जब अट्रैक्ट किया टू नो कि आई हैव सेवन कलर्स, तो न्यूटन को जब उसने अपनी तरफ बाउंड किया, एंड देन न्यूटन कम टू नो दैट द सन से जो लाइट आती है, जो व्हाइट लाइट है, दैट कंसिस्ट सेवन कलर्स। तो हाउ एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स, ये सारी की सारी किसमें डेवलपमेंट हुई है, इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। आपने बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने जिसकी बात करते हैं स्टीम इंजन की, जब हम बात करते हैं तो स्टीम इंजन में किसका जो कॉन्सेप्ट कहाँ से राइज हुआ, जो इंजन टेक्नोलॉजी कहाँ से हुई, जब क्या हुआ, जब आपको देखा कि स्टीम है मोर पावर, जब किसी पॉट है आपके पास और उसमें वाटर है, उसके ऊपर आपने कवर्ड है, ढक्कन रख के, जब आपको कंटिन्यू फ्लेम है, देन व्हाट हैपन दैट गेट अप लिफ्ट अप, वो क्या होता है, लिफ्ट अप हो जाता है। मान लीजिए आप उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रखते हैं, देन अगेन लिफ्ट अप, इट मींस दैट स्टीम हैव सम पावर, वो किसी भी चीज को लिफ्ट अप कर सकती है, और दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी, जिससे स्टीम इंजन डेवलप किया गया। तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो जितने भी एडवांसमेंट फिजिक्स में हो रही है, ये क्या है, इनके पीछे एक्साइटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में, हाउ इम्पॉर्टेंट एक्साइटमेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज एक्साइटमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स, जो एक्साइटमेंट है फिजिक्स की डेवलपमेंट में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन से दैट, जिसमें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अपने अपने विजन को और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, राइट। आप उसको कहते हैं कि देर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, जो हमें क्या करती हैं, वो हमें एक्साइट करती हैं टू एक्सप्लोर। तो अपने उसको उसको कहते हैं कि टू एक्सप्लोर मी, वो मेरे को एक्सप्लोर करे, राइट। तो उससे क्या होता है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई, वो कुछ उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट जब मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, फिजिक्स में कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, उसकी एडवांसमेंट में एक कॉल, उसकी एडवांसमेंट में एक स्टार और एड अप हो जाता है, राइट। एंड देन आप देख रहे हैं यहाँ अंडर ब्लू लाइन्स, अप्लाइड फिजिक्स इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे फिजिक्स की बात कही, अब आ रही है एक फिजिक्स की, अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स क्या है, अप्लाइड फिजिक्स इज द ब्रांच, फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, परंतु यहाँ पे फिजिक्स की एप्लीकेशन की स्टडी है, हियर इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे हम फिजिक्स की एप्लीकेशन की स्टडी करते हैं, जैसे आपने कहा न्यूटन का लॉ पढ़े हैं अपने, न्यूटन ने तीन लॉ दिए जिसको हम कहते हैं, दे आर नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, न्यूटन ने लॉ दे दिए, परंतु जो उसकी एप्लीकेशन को हमने कैसे अप्लाई किया, उसके जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द रॉकेट। जैसे आप देख रहे हैं किस चीज़ को हम लॉन्च करते हैं, जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सैटेलाइट को लॉन्च करता है, तो विद दैट हेल्प ऑफ ए व्हीकल, दैट इज कॉल्ड रॉकेट। रॉकेट उस सैटेलाइट को कैरी कर जाता है फ्रॉम द ग्राउंड टू स्पेस में, और अर्थ के ऑर्बिट में पुट करने वहां तक। तो रॉकेट इज द एप्लीकेशन लेवल ऑफ ऑफ न्यूटन का सेकेंड एंड थर्ड लॉ। आज हम बात करें कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो हमारा जो अर्थ है, जो या जिसकी मदर प्लैनेट की जो हम बात करते हैं, दैट इज अंडर थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये पूरा का पूरा इस वक्त कहाँ पे है, एक अंडर थ्रेट है, दैट इज अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, क्लियर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जो न्यूक्लियर एक्स, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, that is that application level of the relation equations given by Einstein's, that's E is equal to mc square। Einstein ने एक relation दिया था E is equal to mc square, E mean energy, m mean mass, c means velocity of light, means जो energy जो है convert होती है mass में, and mass into energy में। उस relations को
का जो एप्लीकेशन लेवल है दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, राइट, या जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ई कैन एवरी थिंग्स। मैंने हर चीज के कंटेंट को एक्सप्लेन किया जो तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा जो प्रिस्क्राइब बुक है उसके हर लाइन्स को मैंने ऑथर्स वर्ड बुक लाइक टू एक्सप्लेन हर चीज़ को मैंने ट्राई किया यहाँ पे कि आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएं। तो डियर स्टूडेंट्स विद दैट थैंक यू फॉर योर टाइम। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर अमंग योर फेलो फ्रेंड्स। दैट्स ऑल।